हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। और स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई ने अपने 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो टर्म वन का एग्जाम है उसका डेट डिक्लेयर कर दिया है और उसके मेजर सब्जेक्ट्स के सारे के डेट्स आ चुके हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आई हूँ क्विक रिविजन सीरीज, और इसमें हम डेली वन क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिस्कस करने वाले हैं। और इस वन क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा, जो आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो आज के इस फर्स्ट डे में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको और एक इन्फॉर्मेशन, दैट यू मे ऑल्सो फॉलो मी इन टेलीग्राम चैनल एंड इट इज इन द नेम ऑफ आदि कैरियर पॉइंट, एंड यू मे ऑल्सो फॉलो मी इन माई फेसबुक पेज लिंक दैट इज ऑल्सो इन द नेम ऑफ आदि कैरियर पॉइंट, एंड ऑल दीज डिटेल्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन डिटेल फ्रॉम वेयर यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। तो स्टार्ट कीजिए आपके रिविजन को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फुल जोश के साथ, ताकि आपको 40 out of 40 यानी 100% मार्क्स आपको मिले, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी। सो दिस इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्मार्ट सिटी मिशन से रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान देना है ट्रू और नॉट ट्रू में। तो यहां पर आपके क्वेश्चन में 4 पॉइंट है, 4 ऑप्शंस है, जिसे आप खुद रीड कीजिए और इसे आप 10 सेकंड में आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। सो हियर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ योर टाइम ओवर, सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, increase in unemployment is the not correct statement, okay? increase in unemployment जो है ये correct statement नहीं है, क्योंकि हम बात करें smart city mission की, तो smart city mission में employment की opportunities होनी चाहिए, ना कि employment के बदले हम unemployment को increase करेंगे। तो obviously unemployment अगर increase होता है तो इसका मतलब वो smart city नहीं होगा। तो आइए discuss करते हैं detail about what is this smart city mission। The Smart City Mission student, it was launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi on 25th June 2015, ठीक है? 25th June 2015 को हमारे देश के Prime Minister Narendra Modi जी ने इस Smart City Mission को launch किया था। तो अब बात करते हैं what is this small city? तो सबसे important बात एक है कि Smart City का कोई definite definition नहीं है, कोई particular definition नहीं है, फिर भी हम एक conclusion कर सकते हैं कि एक Smart City क्या होगी, हम खुद ही सोचे। तो एक ऐसी city जहां पर लोग रह सके, which is livable, which is sustainable and has a thriving economy offering multiple opportunities to its people to pursue their diverse interest। तो एक ऐसी सिटी जहां पर लोग रह भी सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी भी है वहां पर, और एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज है और लोगों के इंटरेस्ट को वो फुलफिल कर सकती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे जॉब रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, ये सारी, अगर एक ऐसी सिटी जहां ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो तो ऑब्वियसली उस सिटी को हम स्मार्ट सिटी कहेंगे। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये स्मार्ट सिटी मिशन को लाने के पीछे रीजन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द स्मार्ट सिटीज मिशन। सो नंबर 1, टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे सिटीज को प्रमोट करना जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो भाई कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, जिसके बिना हम नहीं चल सकते, जिसके बिना एक सिटी जो है स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपके लिए म्युनिसिपल रोड्स होने चाहिए, म्युनिसिपल रोड्स आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपको लिंक करना है इस सिटी को दूसरे सिटी के साथ, कोई रिवर है या कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी, तो ब्रिजेस इनके साथ होनी चाहिए ताकि वो कनेक्ट कर पाए दूसरे प्लेसेस के साथ में। पब्लिक ट्रांजिट व्हीकल्स होने चाहिए, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वाटर एंड वेस्ट वाटर सारे मैनेजमेंट होने चाहिए, कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पॉल्यूशन कम होना चाहिए,
क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव कि हम स्मार्ट सिटी मिशन से सिटीज को प्रमोट करेंगे और प्रमोट करके उनमें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेंगे, सिटीज को हम क्लीन सिटी बनाएंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज और स्पेशली दिल्ली कितना ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है और ये पॉल्यूशन हम सभी के लिए खतरा है। तो भाई हम सिटी को क्लीन सिटी बनाएंगे, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट रखेंगे वहां पर ताकि सभी उसमें सर्वाइव कर पाए, ठीक है, एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू सिटीजन, यानी शहरों में रहने वाले लाइफ लोग जो है उनके लिए भी डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ लेकर आए। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द स्मार्ट सिटी मिशन कि हम सिटीज को सेलेक्ट करेंगे। अराउंड 100 सिटीज वर सेलेक्टेड, 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया है और उसमें जितने भी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट फंड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड मिलेगा, ठीक है, वहां के एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाएंगे और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करेंगे ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नाउ वन ऑफ द फीचर ऑफ द स्मार्ट सिटीज इज टू अप्लाई स्मार्ट सॉल्यूशन, यानी स्मार्ट सिटी का मतलब स्मार्ट नहीं होना बने खाली उसमें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका स्मॉल सॉल्यूशन होना चाहिए टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर, उनको एकदम बेटर बनाना है। एंड फॉर एग्जाम्पल मेकिंग एरियाज लेस वल्नरेबल टू डिजास्टर, जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत बारिश हो रही है, रेनफॉल बहुत ज्यादा है, ऑन ऑल दीज थिंग्स व्हाई, ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, इन सबके वजह से हम देखते हैं डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो जो भी है प्रॉब्लम उनको हम लेस करें, उनको हम कम करें, और यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, अगर हमारे उन सिटीज में रिसोर्सेज कम है तो उनको हम आने वाले टाइम में और उसको किस तरह से हम सस्टेनेबल यूज के लिए यूज करें ताकि वो आने वाले टाइम के फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूजफुल हो, सभी को उससे बेनिफिट मिले, एंड प्रोवाइडिंग चीपर सर्विसेज। सिटीज में जाते हैं भाई बहुत महंगा होता है सब कुछ, खाना पीना से लेकर सब कुछ, तो चीपर सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि नॉर्मल पीपल भी वहां अच्छे से अपनी एक डिग्निटी वाली डिसेंट लाइफ को लेकर चले। And the focus is on what? The focus is on sustainable and inclusive development. ठीक है, किसमें हम ध्यान देंगे? सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल आपको पता है, एंड इंक्लूसिव का मतलब क्या है? मींस इंक्लूडिंग ऑल द सर्विसेज। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? ऑल द सर्विसेज को हम इंक्लूड करेंगे, जितने भी सर्विस है उन सबको हम इंक्लूड करेंगे, चाहे वो एजुकेशन का हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हेल्थ हो, इन सभी को हम एक साथ डेवलप करेंगे। ये नहीं कि हम केवल इकोनॉमिक सेक्टर को ही डेवलप करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी है उनको भी हम डेवलपमेंट करेंगे। एंड द आइडिया इज टू लुक एट कम्पैक्ट एरियाज, ठीक है, एंड क्रिएट अ रेप्लिकेबल मॉडल। रेप्लिकेबल मॉडल का मतलब एक ऐसा मॉडल कि आज बनाया और कल खत्म हो जाए तो उस मॉडल का तो कोई फायदा नहीं है, है ना, यानी इसे हम आने वाले जनरेशन में अगेन एंड अगेन सेम चीज को हम परफॉर्म करते जाए, यानी कि हम उसको सस्टेन करके चलते जाए, उसी लेवल पे हम चलते जाए, आने वाले जनरेशन को भी सेम फैसिलिटी अवेलेबल हो, एंड विच विल बी एक्ट लाइक अ लाइट हाउस टू अदर एस्पायरिंग सिटीज एज वेल। यानी एक सिटी को हमने स्मार्ट सिटी बनाया तो उसको देखकर उसके आसपास के सिटी के लिए वो एक लाइट हाउस का काम करे और सभी को एस्पायर करे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टुमारो वी विल अगेन मीट विद अनदर क्वेश्चन फ्रॉम अनदर सब्जेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।